How to install a Google Assistant on Windows PC और लैपटॉप। आप मोबाइल में तो बाय डिफॉल्ट वो सब कुछ सेटिंग रहती है, लेकिन पीसी पे आपको इंस्टॉल करने के लिए आप कैसे विंडो असिस्टेंट को यूज़ करिएगा, उसके डिफरेंट स्टेप हैं। To install a Google Assistant for PC, you will need to install an Android emulator like ZE Players, BlueStacks or Knox App Player first. With this Android emulator app, you will be able to download a Google Assistant full version on your Windows 7, 8 or 10 and laptop. Download and install Android emulator for PC Windows. तो ये तीन emulator दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को जब आप अपने PC पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, तब आप गूगल असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये तीन लिंक दी हुई है, डाउनलोड ब्लू स्टैक, डाउनलोड नॉक्स ऐप प्लेयर, डाउनलोड ZE प्लेयर। क्लिक द आइकॉन टू रीड द एंड्रॉयड एमुलेटर ऐप ऑन द विंडो। जब इसको आप इंस्टॉल करिएगा तो एक आइकॉन आ जाएगा जिस पे आप क्लिक करिएगा तो एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो आपका रन हो जाएगा। लॉग इन विथ योर गूगल प्ले स्टोर अकाउंट देन ओपन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे गूगल असिस्टेंट को सर्च करिए, चूज वन ऑफ द ऐप फ्रॉम सर्च रिजल्ट लिस्ट, क्लिक द इंस्टॉल बटन और किसी एक ऐप को चूज करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और इंपोर्ट द एपीके फाइल दैट यू हैव डाउनलोड फ्रॉम द लिंक ऑन द अबव दिस आर्टिकल विद द ZE प्लेयर, या उसके एप्लीकेशन फाइल को इम्पोर्ट कर लीजिए और उसको रन कर लीजिए। राइट क्लिक देन इंस्टॉल इट, लेकिन हम एडवाइस कर रहे हैं कि डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि एपीके फाइल जो होती है वो हर कोई नहीं खोल पाता। नाउ यू कैन प्ले अ गूगल असिस्टेंट ऑन पीसी एंड एंजॉय द ऐप, और फिर आप जब इंस्टॉल करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो रन शेयर एंड सब्सक्राइब, माई यूट्यूब चैनल इज रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर, प्लीज फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक and the link given in the description, and follow my telegram channel Tech Ratan, and please ask the question if any, and tell me the topic in on which you want the video. Thank you viewers, this is all today. If you like it, please share and